हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। सा गणपति महोत्सव आने ही वाला है, तो अब हर घर में मोदक तो जरूर ही बनेंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ चावल के आटे से बनने वाले उकड़ीचे मोदक की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो गणपति पे विशेष तौर से बनाए जाते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच के लगभग इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। और एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब पानी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पानी गर्म होने के बाद में इसके अंदर हम चावल का आटा ऐड करेंगे। देखो, पानी गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 1 कप चावल का आटा ऐड किया है। चावल का आटा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। 1 कप हमने पहले पानी ऐड किया था, पर इसके अंदर हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमने इसके अंदर 1/2 कप के लगभग पानी और ऐड किया है। आप ये पानी एक साथ भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस को बंद करके इसे ऊपर से हम ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा घी इसके अंदर नहीं डालना है। अब इसके अंदर हम 1 कप के लगभग नारियल का बूरा ऐड करेंगे। आप इसकी जगह फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने गैस को ऑन करके इसे थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे, थोड़ी देर ही भूनना है, ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये अपना जो ऑयल है वो छोड़ देगा, जिससे मोदक का टेस्ट ख़राब हो सकता है, इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। हमने इसे थोड़ा सा पका लिया है। अब इसके अंदर हम 1/2 कप के लगभग गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमने लो टू मीडियम ही रखा है। अब इसे हम गुड़ अच्छे से इसके अंदर मिक्स ना हो जाए तब तक इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1/2 चम्मच के लगभग इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप इसकी जगह अपनी पसंद का एसेंस भी डाल सकते हैं। थोड़े से हमने यहाँ बादाम को क्रश करके डाला है और थोड़ी सी हम इसके अंदर किशमिश भी डालेंगे। इसके अंदर आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या इनकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी है और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये मिक्सचर ड्राई लग रहा है तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितना दूध ऐड कर सकते हैं, जिससे ये एकदम से नरम और एकदम से सॉफ्ट बने रहेंगे। एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है और एक बार इसे मिक्स करके हम फिर रख देंगे। दूध डालना एकदम से ऑप्शनल है, हमने बस सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपका ड्राई लगे तो आप इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। अब देखो, हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अब इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी ये गर्म है इसलिए हम हाथ की हेल्प से इसे मिक्स नहीं कर सकते। अब इसे हम गिलास के निचले हिस्से से इसे अच्छे से मसल लेंगे, जिससे एकदम से स्मूथ डो बनके तैयार हो जाएगा, जिससे हमारे मोदक अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अगर आप हमारे चैनल की और भी गणपति स्पेशल रेसिपी या फिर राजस्थानी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हमने एक थाली में घी लगा लिया है। डो को इसके अंदर डालकर एक बार फिर से हम हाथ की हेल्प से अच्छे से मसल लेंगे, जिससे एकदम से स्मूथ डो बनके तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी इसके अंदर क्रैक नहीं आएगा। वो देखो, एकदम से अच्छे से स्मूथ बनके तैयार हो चुका है। अब इसके हम मोदक बनाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज इन मोदक को हम मोल्ड से बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ मोल्ड लिया है। इसको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। शुरू में ही इसे अच्छे से घी से ग्रीस करना है, उसके बाद में इसे बार बार घी से ग्रीस नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखो, हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम बंद करके इस डो को इसके अंदर फिल कर देंगे। आप इनको बिना मोल्ड के बनाना चाहते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं। हम आपको बाद में दिखाएंगे कि उसे किस तरह से बनाते हैं। अब हम एक चाकू की हेल्प से इस डो को हम अच्छे से चारों तरफ अच्छे से सेट कर देंगे और बीच में इसके अच्छे से जगह बना लेंगे। चाकू की हेल्प से इस पर हम जगह बनाएंगे तो आप इसके अंदर अच्छी मात्रा में स्टफिंग भर सकते हैं। अगर आप उंगली की हेल्प से इसमें जगह बनाएंगे तो उतनी ज़्यादा मात्रा में आप इसके अंदर जगह नहीं बना पाएंगे, उसमें थोड़ा सा स्टफिंग कम जाता है। तो अगर आप ज़्यादा स्टफिंग भरना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको अच्छे से बनाकर तैयार कर सकते हैं।
देखो काफ़ी मात्रा में इसके अंदर जगह दिख रही होगी आपको। अब इसके अंदर हम स्टफिंग को अच्छे से भर देंगे और अच्छे से स्टफिंग को अंदर की तरफ हम दबाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। स्टफिंग भरने के बाद में हम फिर से थोड़ा सा चावल के आटे का डो लेंगे और अच्छे से इसे हम सील कर लेंगे ताकि अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। देखो हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है, अब इसे हम खोलकर भी दिखा देते हैं। देखो कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हुआ है और देखो हमने इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग डाली है, तभी आपको इसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्टफिंग दिख रही होगी। ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के सभी मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम आटे का एक पेड़ा बनाएंगे और इसे हम बेलन की हेल्प से हल्के हाथ से हम इसे पतले साइज में बेल लेंगे। देखो ये अच्छे से बिलकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके साइड के कॉर्नर को इस तरह से इस पर सलवटे डाल देंगे ताकि मोदक बनाने में आसानी हो। और इस तरह से बनाने के बाद में बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे। इस तरीके से हम जब मोदक बनाते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप स्टफिंग डाल सकते हैं। और अब हम ऊपर से अच्छे से इसे सील कर देंगे। सभी सलवटों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसे हम अच्छे से घुमाते हुए इसे अच्छे से शेप दे देंगे। देखो इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखो हमने सभी मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम स्टीम करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में पहले ही पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से कढ़ाई और एक छलनी की हेल्प से भी आप इन्हें स्टीम कर सकते हैं। हमने एक छलनी ली है जिसे हम अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने से मोदक नीचे तले में चिपकेंगे नहीं और हम फिर बाद में इसे आसानी से निकाल पाएंगे। देखो हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम छलनी रख देंगे और सभी मोदक को इसके अंदर अच्छे से सेट कर देंगे। अच्छे से हमारे मोदक सेट हो चुके हैं। अब इसे हम ऊपर से कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम लो आंच पे इसे हम स्टीम कर लेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। अब इन मोदक को हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। हमने यहाँ केसर मिल्क का यूज़ किया है, आप केसर मिल्क की जगह फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखो हमने इस पर थोड़ा सा केसर भी लगा दिया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें गार्निश कर सकते हैं। और एक मोदक हम आपको कट करके भी दिखा देते हैं। देखो कितनी आसानी से कट हो रहे हैं और देखो इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग डली है। आप इन्हें गणेश चतुर्थी पे जरूर बनाइएगा, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपको गणेश चतुर्थी की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए गणपति बापा मोरिया।